दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में शुरू हुई एक नई वॉर के बारे में, जिसे हम टेक्नोलॉजी वॉर या फिर चिप वॉर भी कह रहे हैं। आखिर ये टेक्नोलॉजी वॉर है क्या? इसमें कौन कौन से देश एक साथ हैं? कौन कौन से देश शामिल हैं? क्या इसमें भारत भी है? अगर इसमें भारत है तो वो कहाँ है? क्या हमें फायदे हैं या नुकसान है? आखिर हमें इन चिप्स की जरूरत पड़ती ही क्यों है? चीन के लिए ये चिप्स इतने जरूरी क्यों हैं? कैसे कैसे एक कंपनी इतनी बड़ी बन गई? क्या कोई इसकी मोनोपोली को चैलेंज कर सकता है? हम पिछले एक साल से यूक्रेन रूस जंग के बारे में बार बार सुनते आ रहे हैं, और हाल ही में हम चीन और अमेरिका के बीच ताइवान मुद्दे को लेकर भी बहुत सारी खबरें सुनते आ रहे हैं। कुछ तो इसे दूसरा कोल्ड वॉर भी कह रहे हैं, पर हम आपको बताने जा रहे हैं पर्दे के पीछे चल रहे एक और वॉर के बारे में, जिसे हम टेक्नोलॉजी वॉर या चिप वॉर भी कहते हैं। जब भी हम दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनी की बातें करते हैं तो हमें क्या याद आता है? जवाब है गूगल, टेस्ला, एप्पल, अमेज़न या कहीं फेसबुक या मेटा। पर नहीं, आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम शायद ही आपने सुना होगा। वो है नीदरलैंड की कंपनी, एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी कंपनी, जिसे हम ASML भी कहते हैं। ये कंपनी हमारे जीवन के हर उस हिस्से से जुड़ी है, जहां हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल करने वाली किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे हाथ में मोबाइल से लेकर कार, बाइक, टीवी और जंग में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन तक हर चीज डिजिटल चिप से कंट्रोल होती है। चिप बनाने वाली तो कई कंपनियां हैं, मगर ये चिप जिस मशीन के जरिए बनती है वो मशीन बनाने वाली दुनिया में सिर्फ यह एक ही कंपनी है। यानी दुनिया अगर चिप पर निर्भर है तो इस कंपनी पर भी निर्भर है, क्योंकि चिप की मैन्युफैक्चरिंग को यही एक कंपनी कंट्रोल कर सकती है। इस कंपनी की ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि चीन के खिलाफ अमेरिका का सबसे ताजा और बड़ा हथियार यही कंपनी ASML ही है। इसी साल जनवरी में अमेरिका, जापान और नीदरलैंड ने एक समझौता किया है। इसके तहत ये तय किया गया है कि चीन को एडवांस डिजिटल चिप बनाने के लिए कोई मदद नहीं दी जाएगी। अमेरिका और जापान के इस समझौते का सीधा मतलब है चीन के लिए मुश्किल पैदा होना। इस समझौते के तहत चिप के टेक्नोलॉजी और चिप का कच्चा माल मिलना चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा, मगर नीदरलैंड की इस कंपनी का इस समझौते में शामिल होने का सीधा मतलब यह है कि चीन को चिप बनाने की मशीन ही नहीं मिलेगी। आज हम AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और आज के इस दौर में दुनिया का हर देश इन चिप्स को पाना चाहता है, और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर चिप्स के बाजार को कंट्रोल करना चाहता है। इस ताकत को समझते हुए ही भारत में भी सरकार ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए नई योजनाएं शुरू की है, तथा PLI जैसी स्कीम की घोषणा भी की है। ये हमारी पहली वीडियो है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। चलिए अब बात करते हैं दुनिया में चल रहे चिप वॉर की हकीकत आखिर है क्या, और कैसे यह सिर्फ एक ही कंपनी के हाथों में इतनी ताकत है जो भविष्य में पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकती है। चलिए पहले समझते हैं कि ये चिप हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। सेमीकंडक्टर चिप का बाजार हमारी और आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। दरअसल ऐसी कोई भी चीज जो किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर चल रही है उसे सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत होती है। आज की हमारी जिंदगी में यूज होने वाले लगभग सभी प्रोडक्ट्स में इन चिप्स का यूज होता है, जैसे स्मार्टफोन, TV, फ्रिज, पंखा, AC, वॉशिंग मशीन, ओवन, और इन्हें बनाने वाली मशीनों में भी इन्हीं चिप्स का प्रयोग होता है। यानी जो भी इन चिप्स के बाजार को नियंत्रण करेगा वही कंज्यूमर गुड से लेकर रक्षा, स्पेस और हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करेगा। ये चिप्स भी आकार और काम के हिसाब से अलग अलग होती हैं। हालांकि फिर भी ये चिप्स इतनी छोटी होती हैं कि इनकी मोटाई 1 मिलीमीटर के 10 लाखवें हिस्से यानी नैनोमीटर में मापी जाती है। अब समझते हैं आखिर ये चिप वॉर है क्या, और यह चिप्स चीन और अमेरिका के लिए इतनी जरूरी क्यों है। चीन चाहता है पूरी सप्लाई चेन पर उसका कब्जा हो, पर अमेरिका की वजह से चीन चिप इंडस्ट्री खतरे में आ गई है।
और हम सभी जानते हैं कि फिनिश गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में चीन के आसपास भी कोई दूसरा देश नहीं है। चीन पूरी दुनिया को सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण देता है, और हमें खुद भी कोई सस्ता प्रोडक्ट्स चाहिए होता है तो हम सभी चीन प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं। इस बाजार पर उसका अभी दबदबा कायम है, मगर इसे बनाए रखने के लिए उसे बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत है। चीन की जरूरत को कुछ इस तरह समझिए कि चीन हर साल जितना कच्चा तेल इंपोर्ट करता है उससे कहीं ज्यादा चिप्स को इंपोर्ट करता है। ये चिप वॉर तब शुरू हुई जब राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग ने चीन को चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू कर दी। सेमीकंडक्टर चिप्स की टेक्नोलॉजी अमेरिका के वैज्ञानिकों की देन है, मगर इस चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग हमेशा से ही बड़े पैमाने पर ताइवान, जापान और यूरोप में होती रही है। चीन ने चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू तो की, लेकिन अभी तक वो 28 नैनोमीटर से बड़े चिप ही बना पाता है, जिनका इस्तेमाल गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में होता है। इन्हें लेगेसी चिप कहते हैं। दुनिया के 9% लेगेसी चिप चीन में ही बनते हैं। चीन के इन बढ़ते कदमों की वजह से ही अमेरिका को चिंता है कि अगर वो 14 नैनोमीटर और इससे छोटी एडवांस चिप भी बनाने लगा तो बाजार में उसकी बढ़त बहुत ज्यादा हो जाएगी। चीन के खिलाफ अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार ASML है। चीन को चिप वॉर में हराने के लिए अमेरिका के सबसे बड़े हथियार के तौर पर ASML सामने आया है, क्योंकि यह कंपनी अकेली पूरी तरह से मार्केट पर कब्जा करके बैठी है। ये कंपनी लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है, यानी चिप की प्रिंटिंग करती है, और अगर यह कंपनी मशीन्स की सप्लाई रोक दे तो पूरी दुनिया की कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बना ही नहीं पाएगी। चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चिप डिजाइन करती हैं और फिर उनके डिजाइन के हिसाब से ASML कंपनी की मशीन उसे प्रिंट करती है। ASML अपनी तकनीक को हर साल अपग्रेड करती जाती है। ऐसे में बड़ी कंपनियों को लगातार अपनी मशीन्स में अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है, और अभी हाल ही में हुए समझौते के कारण ASML अब चीन की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लिथोग्राफी मशीन्स नहीं बेच पाएगी। ऐसे में चीन का चिप्स प्रोडक्शन सिर्फ उन लेगेसी चिप्स तक ही सिमट कर रह जाएगा जिनका प्रोडक्शन वो आज तक कर रहा है। समझिए, ASML में ऐसा क्या है जो वो चीन को भी घुटने पर लाने में सक्षम है। 1984 में नीदरलैंड के आइंधोवन नामक शहर में फिलीपींस कंपनी के एक शेड में ASML कंपनी की शुरुआत हुई थी। हालांकि उस समय तक सेमीकंडक्टर चिप्स ना तो डिमांड में बहुत ज्यादा थी और ना ही इस तकनीक का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। 1993 में IBM कंपनी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर IBM 360 लोगों के सामने पेश किया। ये सुपर कंप्यूटर ASML के PAS 5500 प्लेटफॉर्म पर बनी चिप से चलता था। उसी दौर में ASML ने इस बाजार पर अपना कब्जा करने की तैयारी कर ली थी। कंपनी का उद्देश्य तो सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरिंग के बाजार को खुद पर निर्भर करना था, लेकिन जिस तेजी से दुनिया की निर्भरता चिप पर बढ़ी, ये कंपनी चिप्स प्रोडक्शन में दुनिया की सबसे ताकतवर और एक लौती कंपनी बन गई। आज ग्रोस रेवेन्यू के मामले में दुनिया की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में ASML 32वें नंबर पर है, जबकि शेयर वैल्यू के हिसाब से ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है। और जैसे जैसे AI का विकास होगा, पूरी संभावना है कि यह कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी भी बन जाए, क्योंकि इसकी मोनोपोली मार्केट पर पूरी तरह से हावी है। मोनोपोली होने के कारणों में सबसे बड़ा कारण है इसकी तकनीक। पूरी दुनिया में ASML के पास ही यह तकनीक मौजूद है, और इस तकनीक को दुनिया में आज तक कोई भी कॉपी नहीं कर पाया है। चिप प्रिंट करने के लिए दो ही तकनीक का इस्तेमाल होता है, DUV और EUV। DUV डीप अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी, इसके जरिए 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक के बड़े चिप बनते हैं, और EUV यानी कि एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी, इसके जरिए 5 नैनोमीटर से 15 नैनोमीटर तक के अत्याधुनिक चिप बनते हैं। इन दोनों ही तकनीकों पर ASML का पेटेंट है। पेटेंट शर्तें भी बहुत सख्त हैं। कोई कंपनी बिना ASML की मशीन के चिप बनाए तो साबित करना होगा कि वैकल्पिक तकनीक क्या है। पूरी सप्लाई चेन पर भी ASML का ही कब्जा है। ASML कच्चा माल क्या इस्तेमाल करती है, ये भी सीक्रेट है। कंपनी की वेबसाइट पर टेंटलम, गोल्ड, टिन, टंगस्टन का जिक्र करती है, लेकिन
कई और ऐसे केमिकल्स हैं जिनका खुलासा ही कंपनी ने नहीं किया। दुनिया में जिस तेजी से चिप की डिमांड बढ़ी है उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं है। कंपनी चिप प्रिंटिंग का सारा कच्चा माल अकेले ही खरीदती है। 5,000 सप्लायर्स हैं। चिप प्रिंटिंग की एक मशीन 7 अलग अलग हिस्सों में बनती है और पूरी मशीन बनने के बाद इसका वजन 180 टन तक हो जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के कुल 60 प्लांट्स हैं। इस मशीन के सभी हिस्से सिर्फ नीदरलैंड के वेल्दोवेन शहर में ही असेंबल होते हैं। मशीन पूरी तरह बनने के बाद एक मशीन की कीमत 1,500 करोड़ रुपए तक होती है। कंपनी की मोनोपोली के कारण में से एक मुख्य कारण ये भी है कि कंपनी सिर्फ मशीन बेचती ही नहीं, चलाती भी खुद ही है। एएसएमएल जब किसी को भी चिप प्रिंटिंग की मशीन बेचती है तो उसे हैंडलिंग नहीं सिखाती। क्लाइंट कंपनी के साथ एएसएमएल का ही इंजीनियर तैनात किया जाता है। मशीन की पूरी लाइफ एक ये इंजीनियर ही वहां मशीन को ऑपरेट करता रहता है और इनके पार्ट्स और सर्विसिंग भी सिर्फ एएसएमएल के इंजीनियर्स ही देखते हैं। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा नौकरी नहीं छोड़ी जाती है। इसी कारण कंपनी में लोगों द्वारा नौकरी छोड़ने की दर 5% से भी कम है। ये भी मैनेजमेंट और एचआर जैसे सेक्शन के लोग हैं। मैन्युफैक्चरिंग कर्मचारी नौकरी नहीं छोड़ते हैं। एएसएमएल की मशीन जिस तकनीक से बनती है वो कहीं भी किसी को भी नहीं सिखाई जाती है। यानी ये काम सिर्फ एएसएमएल में काम करने वालों को ही आता है। एएसएमएल इंडस्ट्रियल जासूसी से बचने के लिए भी सालाना करोड़ों रुपए खर्च करती है। लिथोग्राफी के काम में उतरना इतना महंगा है कि कोई कंपनी अब ये नहीं करना चाहती। एएसएमएल पिछले 21 साल से सिर्फ चिप प्रिंटिंग का काम करती है। दुनिया की हर छोटी से बड़ी टेक कंपनी उस पर निर्भर है। ताइवान की टीएसएमसी, कोरिया की सैमसंग और अमेरिका की इंटेल और माइक्रोन कंपनियां मिलकर दुनिया का करीब 90% चिप मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन ये सभी लिथोग्राफी के लिए एएसएमएल पर निर्भर है। किताब चिप वॉर द फाइट रद वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में लेखक क्रिस मिलर कहते हैं कि अब टेक्नोलॉजी की दुनिया की हर कंपनी अपने स्पेसिफिक फील्ड में ही ज्यादा से ज्यादा रिसर्च में जुटी है। अगर कोई कंपनी आज लिथोग्राफी में उतरना भी चाहे तो इसे इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इतने खर्च के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि वो सफल हो जाए। अगर तकनीक बनाने में कोई सफल हो जाए तो कच्चा माल जुटाना एक अलग ही चुनौती है। इस काम के लिए जरूरी सारा कच्चा माल अभी एएसएमएल ही खरीद लेती है। यानी सिर्फ नई तकनीक ही नहीं, कच्चे माल का विकल्प भी तलाशना होगा। लेकिन इस शीत युद्ध में भारत को लाभ हो सकता है। भारत चिप डिजाइनिंग में काफी आगे है, लेकिन चिप मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरीके का जल समेत अन्य संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता है, वैसा अनुभव जुटाने में भारत को समय लग सकता है। चिप्स में जो भी देश पिछड़ेगा वो अब कभी उबर नहीं पाएगा।